हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, और देखा था मैं लास्ट के कंपैरिजन में, इस बार बहुत काफ़ी कमेंट्स आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जिसने भी मेरा अगर लास्ट व्लॉग नहीं देखा है या मेरी वीडियोस नहीं देखी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को देखें एंड कमेंट्स करके बताओ कि कैसी लगी। तो जो आज मैं कहूँगी वो ब्लॉग नहीं, एक वीडियो है। लाइक इंस्टाग्राम पर एक दो लोगों ने मुझे काफ़ी मैसेज करा कि दी आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो मुझे लगा कि क्यों ना मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तो जो मेरा एक ये टॉपिक है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। जैसा कि आपने देखा ही होगा वीडियोस में कि मैं भी न्यूली मदर हूँ, लेकिन 1 ईयर का मेरा बच्चा हो चुका है, मेरा बेबी। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड, अगर कोई मेरे को कर रहा है कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं क्यों ना उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो जो मेरी जो आज की वीडियो है वो रिलेटेड है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। जो न्यूली प्रेग्नेंट लेडी होंगी उनके लिए, उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। तो जब हम फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमको माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे हमको लगता है कि अरे हमारे बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, हम कैसे सोचे हैं, हमको नेम भी सोचने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा बेबी गर्ल तो ये बेबी बॉय है, और फिर मेन नेम से भी कुछ नहीं होता। चलो हम दोनों का सोच के जब लास्ट का टाइम आता है तो हम लोगों को लगता है कि हमें पहले पता होता तो एटलीस्ट हम शॉपिंग तो कर सकते हैं ना, कि अच्छा बेबी गर्ल है तो हम उसके लिए ये, बेबी बॉय है तो ये कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत शॉपिंग तो पहले से करनी पड़ती है। बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बेबी गर्ल मेरे लिए दोनों ही इक्वल है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ा सा लगता है कि अगर आपको बेबी गर्ल होगी तो बेबी गर्ल के लिए हम ये भी कर सकते हैं, उसको ऐसी सी ड्रेसेस बना सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो मोस्टली मेरे अकॉर्डिंग सारी जो लड़कियां होंगी उनके लिए, सबके लिए लगता होगा ना कि आप बेबी गर्ल होगा तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो हम लोग भी इतना नहीं सोचते, लेकिन जो हमसे बड़े होते हैं तो उन लोगों को थोड़ा माइंड में ये चीज़ लगी होती है कि अच्छा, वो थोड़ा अपना ही माइंड लगाने लगते हैं, अच्छा ऐसा है तो तुमको बेबी गर्ल होगा, अच्छा ऐसा है तो बेबी बॉय होगा। उनके भी माइंड में ऐसी चीज़ें इसलिए चल रही होती है क्योंकि वो भी इस टाइम से निकले हुए होते हैं, तो उनको लगता है अरे हमारे साथ ये सिम्टम्स थे तो तुम्हारे साथ भी यही सेम सिम्टम्स है, अच्छा तो तुमको ये होगा। तो उनके भी माइंड में ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूंगी नेगेटिव वाली चीज आती है, उनके माइंड में भी ये लगता है ना कि जैसे अब कल मैं जो आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ तो आपको लगा अच्छा दी आपके साथ ये सिम्टम थे, मेरे साथ भी यही सिम्टम है तो मेरे को बेबी बॉय होगा। तो मेरी जो वीडियो मेरे को यही बताने के लिए है आपको कि मुझे नहीं लगता कि सिम्टम्स से ऐसा होता है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे 2 मंथ्स बाद मेरी सिस्टर इन लॉ प्रेग्नेंट थी, तो मेरे और मेरी सिस्टर इन लॉ के जो सिम्टम्स थे जस्ट अपोजिट थे, जस्ट अपोजिट। हम दोनों की कोई भी सिम्टम्स नहीं मिलता था, कोई भी सिम्टम्स, और दोनों को ही बेबी बॉय है। जैसा मैं बताऊंगी सिम्टम्स, मेरे को स्टार्टिंग में जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मुझे बहुत वॉमिटिंग्स आती थी, बहुत डे में 8 टाइम्स मुझे वॉमिटिंग आती थी, 8 टाइम्स। यहाँ तक कि मैं डॉक्टर को भी दिखा चुकी थी, डॉक्टर ने भी मेरे को टैबलेट लिख के दे दिया था। पहले डॉक्टर ने कम डोज की थी, उसके बाद हैवी डोज का भी दे दिया था, क्योंकि मेरे को वॉमिटिंग कंट्रोल में नहीं होती थी, जैसे ही मैं कुछ खाती थी मुझे वॉमिटिंग आती थी। मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ ऐसा कुछ नहीं था, उनको वॉमिटिंग नहीं आती थी, मुझे वॉमिटिंग आती थी। फर्स्ट, सेकेंड, मुझे, हम दोनों को खैर ऐसा नहीं था स्टार्टिंग में, तो दोनों के साथ ऐसा नहीं था कि मुझे स्वीट ज़्यादा पसंद है, लेकिन एक टाइम के बाद मेरे को ऐसा हो गया था कि मेरे को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं था। उसको जो भी खाना होता था वो खाती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसको स्वीट ज़्यादा पसंद था। लेकिन मेरे साथ लास्ट में ऐसा हो गया था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मीठा पसंद था खाना, कि देख के ही मुझे बड़ा ही वो लगता था। यहाँ तक कि जब डॉक्टर ने भी मुझे मना करा था कि ग्लूकोज वाला वो दिक्कत का प्रॉब्लम हो जाता है, कि नहीं इतना ज़्यादा शुगर आपको नहीं खाना, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मन करता था, लेकिन लास्ट टाइम पे मैंने कंट्रोल करने का कोशिश की थी। लेकिन मेरी सिस्टर लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं था। मेन वेट अगर देखा जाए तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो चुका था प्रेगनेंसी में, बहुत ज़्यादा। मेरी सिस्टर लोग का बहुत ज़्यादा वेट नहीं हुआ था, 5 या 6 kg, मेरा एटलीस्ट 10 to 15 kg या 15 kg मैंने गेन करा था प्रेगनेंसी में। डॉक्टर भी लास्ट में मुझे बोलने लगे थे कि नहीं बेटा ये बहुत ज़्यादा वेट है, कि थोड़ा कम करिए आप शुगर वाली ये चीज़। सारी डॉक्टर ने मेरा बंद कर दिया था कि नहीं ये नहीं खाओगे। मेरी सिस्टर लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं था,
तो जब हम दोनों में वो लोग देखते थे तो सब मुझे यही बोलते थे कि या मेरी फैमिली हो, मेरी सिस्टर वगैरह, ये अच्छा अच्छा ऐसा है तो तुमको बेबी गर्ल होगा, अच्छा ऐसा है तो बेबी बॉय होगा। तो मैं बोलूंगी अगर 100 में से 95% मुझे ऐसा ही बोलते थे कि आपको बेबी गर्ल होगा, और मेरी सिस्टर इन लॉ को लाइक मैं बोलूंगी 95% के 100 में से 95% के 98% ऐसा ही बोलते थे कि बेबी बॉय होगा। 1% मुश्किल से बोलते होंगे लोग कि बेबी गर्ल होगी, लेकिन उनको तो 98% ऐसा ही बोलते थे मेरी सिस्टर लोगों की, नहीं उसको बेबी बॉय होगा। और मेरे को मेरी सिस्टर्स क्या, मेरी मदर क्या, सबको ऐसा ही लगता था कि नहीं 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 बेबी गर्ल होगी, सबके माइंड में ये चीज़ें थी। अच्छा अच्छा ऐसा होता था क्योंकि जो मेरे अंदर सिम्टम्स थे पहले, अगर देखा जाए तो जो पहले के लोग होते थे और जो भी होते थे, तो उनके सिम्टम्स और मेरे सिम्टम्स सेम थे। अगर मैं मेरी सिस्टर्स से करूँ तो मेरी सिस्टर्स और मेरे सिम्टम्स बिल्कुल सेम थे, क्योंकि मेरी सिस्टर्स को पहले बेबी गर्ल ही हुआ था। तो मेरी और मेरी दीदी का, दीदी लोगों का सिम्टम्स एकदम सेम था, तो उनको भी लगता था कि बेबी गर्ल होगा। तो जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया 3 जुलाई को, तो मेरे माइंड में मैंने एकदम सेट कर लिया था कि हाँ हाँ मुझे तो बेबी गर्ल है। तो जैसे ही मेरे को डॉक्टर ने भी ओटी में पूछने लगा था, जैसे ही बच्चा हुआ तो फिर वो बोलने लगे कि आप बताइए क्या है, मैंने कहा बेबी गर्ल। तो जैसे उन्होंने मुझे बताया तो उसी टाइम मेरे माइंड में चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लाइक सिम्टम से कोई नहीं पता लगा सकता कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपना सिस्टर इन लॉ का एग्जाम्पल दे रही हूँ, और एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगी। तो मुझे नहीं लगता कि सिम्टम्स से आप पता लगा सकते हो कि बेबी गर्ल है बेबी बॉय। स्टार्टिंग में मुझे पहली बात तो खाने का कोई ऐसा था ही नहीं, मैं स्पाइसी फूड भी खा लेती थी, स्वीट्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद होता था, लेकिन मेरे को कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, वॉमिटिंग इतनी ज्यादा होती थी, स्वेलिंग मेरा इतना ज्यादा था, मेरे लेग पर इतनी ज्यादा स्वेलिंग थी। मेरी सिस्टर लोग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। लास्ट टाइम पे उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुआ था, लाइक कुछ राइसिस टाइप का कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन मुझे इतनी स्वेलिंग थी, उसके साथ स्वेलिंग का प्रॉब्लम भी नहीं था, उसके साथ वॉमिटिंग का भी नहीं था, उसका टेस्ट का भी ऐसा कुछ नहीं था कि उसको ये अच्छा लगता उसका, उसके साथ वेट का भी नहीं था, लेकिन हम दोनों का ही बेबी बॉय। बस लास्ट टाइम में मेरा क्या होता था कि मैं पहले मीठा, लास्ट टाइम स्पाइसी ज़्यादा पसंद था, तो लास्ट टाइम में मीठा भी, ऐसा नहीं कि मैं मुझे स्पाइसी पसंद नहीं था, मैं खाती सब कुछ खाती थी, ऐसा नहीं था कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है मुझे वो ज़्यादा पसंद है, तो ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं था। तो हम दोनों के सिम्टम्स जस्ट अपोजिट थे। तो जब मेरा बेबी हो गया उसके बाद ही अब मुझे भी ये चीज़ लगी तो कि हम दोनों का ऐसा, तो मेरी जो फ्रेंड थी वो भी उसके कुछ टाइम बाद प्रेग्नेंट हो गई, तो मैं फिर उसको बताती थी, अरे अच्छा अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा है, तो मेरे तो सेम सिम्टम्स सबसे मिले हुए हैं, तो तुम दिख रहा तुमको बेबी बॉय होगा। क्योंकि भाई जब मुझे लोग बताते थे तो मुझे भी लगा कि नहीं 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 लोग सही बता रहे हैं ऐसा करके, तो फिर मुझे लगा कि जब मेरे साथ होता तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करती थी, तो वो भी मुझे बोलती थी कि हाँ मेरे को ऐसा है, पता है मेरा ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, उसको भी भयंकर वाली वॉमिटिंग थी, तो मैं उसको बोलती थी अरे देखना तुमको बेबी बॉय होगा क्योंकि तुम्हारे तो सिम्टम्स सेम मेरे से मिलते हैं। हाँ मेरे साथ एक और सिम्टम्स था कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा डलनेस थी, पिंपल्स आ गए थे, लेकिन मेरी सिस्टर लोग के फेस पर ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, मैं ये भी नहीं बोलूँगी ग्लो था, लेकिन ऐसा डलनेस भी नहीं थी, लाइक पिंपल्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जो मेरी फ्रेंड का था उसका सेम सिम्टम्स मेरे से मिलते थे, उसको वॉमिटिंग ही बहुत ज़्यादा होती थी, उसके फेस पर पिंपल्स भी आ गए थे, लाइक इतना डलनेस फेस पर रहता था, उसको स्वेलिंग भी थी, तो सेम सिम्टम्स मेरे से मिलते थे, तो मुझे तो लगता था कि हाँ 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 तुमको बेबी बॉय होगा, देखना तुम्हारे सिम्टम्स तो सेम उससे मिलते हैं। अभी उसकी जो 15 डेज हुए हैं और उसका जो बेबी है वो बेबी गर्ल है, इस 15 या 20 डेज की हुई है। तो मेरा इस वीडियो में आपको यही बताना है कि आप सिम्टम्स से नहीं पता कर सकते कि आपको बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। मैंने आपको अपने ही उसमें 3 एग्जांपल्स आपको दिए हैं, 3 क्यों, अगर मेरे सिस्टर्स का मैंने आपको बताया कि उनसे मेरा, तो मैंने आपको अपने ही केस में 3 या 4 एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स से आप पता नहीं लगा सकते कि आपको बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, जो मैं आपको बता रही हूँ। एक और बोलते हैं कि लाइक स्टमक पे कोई राइट लाइन होती है ब्लैक सा, वो स्ट्रेट लाइन होती है ऐसा, क्योंकि मुझे भी वीडियोस देखने का बहुत शौक था जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे भी वीडियोस देखने का बहुत शौक था कि अगर ऐसे, ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता है, देखा जाए तो उसकी लाइन कुछ थी नहीं स्टार्टिंग से एंड तक, और जो मेरी लाइन थी वो भी लाइक कहते हैं ना कि नहीं स्ट्रेट होती है तो बेबी बॉय होता है बेबी गर्ल, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है,
केस आप या तो डॉक्टर ही पता कर सकते हैं वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि आपको बेबी गर्ल है या बेबी बॉय, लेकिन आपसे बड़े या फिर आप पता नहीं कर सकते सिम्टम्स से कि आपको बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। मैंने अपनी आपको इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं कि मेरे साथ क्या था, मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ जस्ट अपोजिट था, जस्ट अपोजिट। प्लीज इनकेस वो भी मुझे यही बोलती थी कि भाभी आपको बेटा, भाभी आपको बेटी होगी, वो भी यही बोलती थी क्योंकि जस्ट दोनों के अपोजिट थे। और उसको भी उसकी फैमिली में सारे लोग बोलते थे कि हाँ 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 अच्छा ऐसा है तो उनको बेबी गर्ल होगा। मेरी सिस्टर्स भी मुझे यही बात बोलती थी कि रश्मि तेरे साथ ऐसा है तो देखो बेबी गर्ल होगा। तो मैं वही बोल रही हूँ कि सिम्टम्स से कुछ नहीं मैटर होता। बस ये तो मैंने बताया ना कि डॉक्टर ही पता से लगा सकते हैं या जिस दिन हमारी डिलीवरी है हम उस दिन पता लगा सकते हैं कि हमको बेबी गर्ल हुआ है या बेबी बॉय हुआ है। तो मेरा ये जो वीडियो था सिर्फ आपको बताने का मेरा पर्पज था, बाकी का ये पक्का है मुझे कोई मैटर नहीं करता बेबी गर्ल बेबी बॉय, मेरे लिए दोनों ही एक बराबर है। बस ये मेरा एक को बताना था कि लोग यूट्यूब पर वीडियोस देख देख के अपने माइंड में ये सेट कर लेते हैं हमारे साथ ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, होता होगा पुराने टाइमों में लेकिन अभी तो नहीं है ऐसा, अभी नहीं है। किसको क्या सिम्टम्स है आप उससे पता नहीं लगा सकते हो। तो वही अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज, और आपके लिए भी लाइक के लिए बहुत हेल्पफुल रही हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नेक्स्ट टॉपिक मुझे बताएं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बना सकती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।